उस बोझ को लेकर कब तक चलेगा? ये मेरी मजबूरी हो गई कि जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, जो काम मैंने किया ही नहीं, उस बोझ को लेकर मैं कब तक आगे बढ़ सकता हूँ? क्योंकि जिस तरह से शुरुआत में मुझे भरोसा दिलाया गया था कि आप चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जो व्यक्ति ये बात करते थे आज उन्होंने इस केस से संबंधित बात तक करना बंद कर दी, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा? पिछले 3 वर्ष से लगातार प्रताड़ना झेल रहा हूँ, कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 5 घंटे, कभी 10 घंटे, ऐसे ऐसे सवालों के जवाब मैं देता हूँ, और जिसने आज तक जो कहा, जो निर्देश मिले, सिर्फ उन्हीं की पालना की। लेकिन आज इस स्थिति में पहुंच गया हूं कि मैं इस प्रताड़ना को और इस मानसिक टॉर्चर को मैं और मेरा परिवार क्यों बर्दाश्त करूं? जिन परिस्थितियों में वो सारे काम हुए, उस वक्त मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन करूं, क्योंकि किसी व्यक्ति ने मुझ पे भरोसा करके अपनी कोई चीज सौंपी थी, और मेरा दायित्व बनता था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं, और मैंने वो आज तक किया भी। मैंने पूरी तरह से उस भरोसे को बरकरार रखा, उसे बनाए रखा। आज तक आप सभी के सामने ये कहता रहा कि ये सारे की सारी जो घटनाएं हैं, ये जो ऑडियो क्लिप्स हैं, ये मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। जब भी आप लोगों ने मुझसे पूछा या किसी भी जांच एजेंसी ने मुझसे पूछा, मैंने हर बार एक ही जवाब दिया कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे ये क्लिप्स। लेकिन वास्तविकता ये नहीं, वास्तविकता ये है 16 जुलाई 2020 को शाम को कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हुई आपके माध्यम से, क्योंकि मैंने अपने फोन नंबर 9829620202 से आप सभी मीडिया के साथियों को वो ऑडियो क्लिप्स भेजी। उन ऑडियो क्लिप्स में कथित रूप से खरीद फरोख्त कर, विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही, और मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। अब घटना इस तरह से थी, 16 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होटल फेयरमाउंट आए, क्योंकि उस क्राइसिस के दौरान जो विधायक इस तरफ थे उन सभी को बाड़े बंदी के रूप में होटल फेयरमाउंट में रखा हुआ था, और लगभग दोनों समय सुबह और शाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां आते थे, बातचीत करते थे, और ये उनका रूटीन था। 16 जुलाई 2020 को लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो होटल फेयरमाउंट से निकले। उनके जाने के 1 घंटे बाद उनके PSO रामनिवास का मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत आइए मुख्यमंत्री निवास, मुख्यमंत्री जी आपको बुला रहे हैं। मैं वहां से 10 मिनट बाद निकला और सीधा मुख्यमंत्री आवास, क्योंकि कुकस बड़ी दूरी पे स्थित है, आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है। उस दौरान भी मेरे पास 3 से 4 बार रामनिवास के फोन आए कि आप अभी तक पहुंचे नहीं। मैं तुरंत जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पिंक हाउस के चैम्बर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मेरा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, इस वाक्य को नोट कीजिएगा सभी, जैसे ही मैं वहां पहुंचा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुझे ये पेन ड्राइव और एक ये टाइप पेपर दिया। इस पेन ड्राइव में वो तीनों ऑडियो क्लिप्स थी जिसको मैंने आप सभी के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ये वो पेन ड्राइव है और ये वो एक स्क्रिप्टेड टाइप्ड पेपर है। आप सभी को याद होगा कि उस दिन मैंने ऑडियो क्लिप्स के साथ एक ये पेपर भी भेजा था। इस पेपर में कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थे, दिवंगत हमारे विधायक भंवरलाल शर्मा जी और एक कोई संजय जैन, इन तीनों की बातचीत का हवाला दिया गया, और इस पेनड्राइव में ये सारी चीजें थी। पेनड्राइव और ये पेपर देकर मुझे कहा कि तुरंत जाइए और मीडिया को ये ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट कर दीजिए। अब चूंकि पेन ड्राइव से तो सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता, मैं इस पेन ड्राइव को लेकर तुरंत घर आया। घर आके मैंने इस लैपटॉप में इसको ट्रांसफर किया, और लैपटॉप से मैंने ऑडियो क्लिप्स को अपने फोन में लिया, और उस फोन के द्वारा आप सभी को, जो हमारे मीडिया के साथी हैं, उनको मैंने वो ऑडियो क्लिप्स सर्कुलेट की। तो ये ऑडियो क्लिप्स मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं मिली, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पेन ड्राइव के जरिए मुझे ये सारी ऑडियो क्लिप्स दी और ये कहा कि मीडिया को आप सर्कुलेट कर दीजिए, और मैंने वो काम किया। अगले दिन अखबारों में जिस तरह से खबरें छपी, रणनीति के तहत प्रायोजित रूप से पूरा नहीं होने, मुख्यमंत्री जी दोपहर को जैसलमेर चले, कन्नौट माता जी दर्शन किए, दर्शन करने के थोड़ी देर बाद मुझे फोन किया और मुझे कहा कि मीडिया में ये खबर चलवाओ कि ये जितने विधायक धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इन सबकी एक ही मांग है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं चले। मुझसे वो खबर चलवाई कि और कोई मांग नहीं है इनकी, ये सारे इसलिए एकत्रित हुए हैं कि
हम जितने भी लोग हैं जिन्होंने होटलों में रातें बिताई उनमें से किसी को मुख्यमंत्री, तो सीधे तौर पर आला कमान की अवमानना की, उन्हें धोखे में रखा, उनको पूरी तरह से अंधेरे में रखते हुए सारे काम किए और उनकी इच्छा को, यानी ये हमेशा ये कहने का प्रयास करते हैं कि आला कमान जो कहेगा मैं तो उसी की पालना करूंगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आला कमान की मंशा शायद कुछ और थी उस दिन, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। और इसी तरह विधानसभा चुनाव में भी आला कमान को अंधेरे में रखा और ये उनको पूरी तरह से विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं प्रदेश में सरकार की वापसी करवा के रहूं, चाहे टिकट देने की बात हो या किसको कहां किस तरह से उपयोग में लेना है उसकी बात। उन्होंने अपनी मनमर्जी चलाते हुए वो सभी तमाम टिकट्स को रिपीट किया जिनके बारे में चाहे स्वतंत्र एजेंसीज रही हो या हमारे फीडबैक रहे हो या AICC ने जो सर्वे करवाया हो रहा, सभी ने ये कहा कि लगभग 25 से 30 टिकट मिनिमम बदल देने चाहिए अन्यथा ये सभी चुनाव हारे, लेकिन वो नहीं माने। मुझे लगता है कि वो शायद किसी को ऑर्गेनाइज करना चाहते, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजनीति का पहला धर्म सत्ता हासिल करना हो और उस पहले धर्म को नहीं निभाते हुए सिर्फ अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करने की सोच रखने की वजह से हम अपनी सरकार की वापसी, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो अपने मन में ये सपने लिए बैठे थे